किसान वीरो, आप देख सकते हो हमारी प्याज, और आप बहुत ही बारीक तरीके से हम प्याज दिखाएंगे, लेकिन कुछ रोग मुक्त नहीं हुई हमारी प्याज। ये इस किसान है, ये किसान हंस तो रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि इसकी प्याज है जो, ये देखो ये कितनी गलत निकली है, ये प्याज पूरी ख़राब है। अभी तो बहुत निकलेगी इनमें, पर किसान बहुत परेशान है। इसकी हम दुख को और पीड़ा को समझ सकते हैं, भाव भी कुछ नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हो कलर देखो काफ़ी अच्छा है, देखो आप काफ़ी अच्छा निकला, लेकिन कुछ गलत है इसमें। जैसे ये प्याज है ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई, देखो। पर क्या करें, हम इनको लग कर रहे हैं, किसान की लागत लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी कारण से प्याज ख़राब हो रही हैं। किसान बहुत परेशान है इस इन चीज़ों से देख कर, और भाव भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। फिलहाल ये 8-9 रुपये किलो जा रही हैं। अब सोचो कि आप इसमें लागत हमारी करीब 1 लाख रुपये का खर्चा आया है 2 बीघे खेत में, और आप देख सकते हो कि प्याज हमने सुखा रखी है, लेकिन भाव ना होने की वजह से हम थोड़ा इनको लेट ले जाएंगे। लेकिन प्याज काफ़ी हद तक ठीक ठाक बन चुकी थी, लेकिन कुछ 20% नुकसान है इनमें जो कि वे पड़ी हैं। हम इनको अलग कर रहे हैं ख़राब प्याजों को, क्योंकि ये देखो दोस्त ऐसी प्याज है, इनको हम अलग कर रहे हैं, ये ख़राब प्याज है दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये प्याज जो हमारे अलवर ज़िले में हैं, क्योंकि अलवर की प्याज हैं जो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, नमकीन प्याज मानी जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आपके वहाँ पे प्याज कैसी हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारी प्याज फ़िलहाल ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमारी इसी खेत की दूसरे पाले की प्याज कितनी बढ़िया बनी थी, लेकिन कुछ प्याज हमारी ख़राब हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।